आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अर्जित किए गए करोड़ों रुपए कहां कहां निवेश किए गए हैं, इसकी जानकारी ईडी अधिकारियों को मिल चुकी है। पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट से कई बातों का खुलासा ईडी के समक्ष हुआ है। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद पूजा सिंघल को ईडी की टीम ने 5 दिन के रिमांड पर लिया है। अब रिमांड के दौरान व्हाट्सएप चैट से मिली जानकारियों के आधार पर ईडी आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग से अर्जित करोड़ों रुपए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए जमीन की खरीद और निर्माण में खर्च किए गए थे। पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट से कई बातों का खुलासा ईडी के समक्ष हुआ है। ईडी को जानकारी मिली है कि पल्स अस्पताल की जमीन की खरीद के लिए सरावगी बिल्डर्स एंड प्रोमोटर्स लिमिटेड को भारी रकम की भुगतान हुई है। ईडी यह जानकारी जुटा रही है कि सरावगी बिल्डर्स को चेक, आरटीजीएस या कैश कितने का भुगतान किया गया था। वहीं एसएफजी प्राइवेट लिमिटेड को भी बड़ी रकम दी गई थी। ईडी ने जांच में पाया कि कोलकाता से अभिषेक झा ने CSSD मशीन की खरीद की थी। इस मशीन की खरीद में भी रकम की गलत जानकारी दर्ज थी। वहीं ईडी सूत्रों के मुताबिक पूजा सिंघल और अभिषेक झा ने कईयों के खातों में अस्पताल के निर्माण के दौरान पैसे ट्रांसफर भी किए। जिन लोगों को पैसे भेजे गए उनमें पूजा सिंघल के भाई सिद्धार्थ सिंघल, सत्येंद्र, सुबोध यादव, सुबोध सिन्हा, अमित जैन, विजय गोयल, अजय कल्याण, अभिनंदन, सोनू, अरुण और अक्षय कात्याल के नाम शामिल हैं। ईडी इन सभी से भी अलग अलग समन भेजकर पूछताछ करेगी। वहीं एक पल्स अस्पताल का निर्माण करने वाले ठेकेदार एसटीपी बाउंड्री वाल, कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, डिजाइनर, आर्किटेक्ट समेत अन्य लोगों का भी बयान दर्ज किया जाएगा ताकि अस्पताल पर पूरे खर्च की डिटेल रिपोर्ट तैयार की जा सके। वहीं ईडी ने जांच में पाया कि टाइल समेत अन्य कई सामान की खरीद का भुगतान खुद पूजा सिंघल ने किया है। यह भुगतान 10 जुलाई 2020 का बताया जा रहा। वहीं पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के बीच पैसे की लेन देन को लेकर कई व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं। ईडी ने पूछताछ के दौरान अभिषेक झा और पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट की जाँच की थी। कई पुराने व्हाट्सएप मैसेज जो गायब थे उन्हें ईडी ने रिस्टोर कराया था। इन चैट में कई जगहों से पैसे ट्रांसफर और अस्पताल के निर्माण में भुगतान की बात सामने आई थी, जिसके बाद ईडी ने सबूत के तौर पर मोबाइल को जब्त कर लिया। वहीं कई अन्य लोगों से भी व्हाट्सएप चैट की जानकारी ईडी ने साक्ष्य के तौर पर इकट्ठा की है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता का प्रथम दृश्य पुष्टि किया जाता है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट में। पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।